दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे व्हाट्सएप का पांच ऐसे सेटिंग के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और ये पांच सेटिंग अपने व्हाट्सएप में आप कर लेते हैं, आप जान जाते हैं तो आप एक स्मार्ट व्हाट्सएप यूजर हो जाएंगे। इसलिए कि पांच ये जो ऑप्शन के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही बेस्ट है, तो चलते हैं फटाफट जान लेते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें फटाफट, और चलते हैं जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद चलिए फर्स्ट जान लेते हैं ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ राइट साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेटिंग का, सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। और जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ चैट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, चैट पर क्लिक कर लेना है। चैट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेकंड नंबर पे, मीडिया विजिबिलिटी, इसको देख लेना है आपका ऑन है या ऑफ है। तो ऑन ऑफ कर लेंगे जो भी चाहे। तो ऑन ऑफ करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आप, आपके पास जितने भी फ्रेंड है, जितने भी फ्रेंड लिस्ट में आपका फ्रेंड है, तो कुछ भी सेंड करते हैं जैसे इमेज, फ़ोटो, जितने भी जो भी चीज़ सेंड करते हैं, तो वो आपका गैलरी में सेव नहीं होगा अगर ऑफ रहेगा। तो आपका मालूम प्रोफाइल पर दिखाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं, और ये आपका गैलरी में सेव नहीं होगा। तो गैलरी में सेव नहीं होगा तो ये फ़ायदा होगा कि आपका स्पेस जितने भी मोबाइल में होगा, जितने भी जीबी का होगा आपका स्टोरेज, वो फुल नहीं होगा, उसका स्पेस खाली रहेगा, तो ये फ़ायदा होगा। और आप चाहते हैं कि सेव हो तो ऑन कर देंगे, चाहते हैं ना सेव हो तो ऑफ़ कर देंगे, सारे फ्रेंड का काम करेगा, तो इसको बैक कर लेना है। सेकंड नंबर चलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसी सेम जो भी ये ऑप्शन के बारे में बताए, ये अलग अलग फ्रेंड में आपको सेट करने के लिए, जैसे कि दो तीन फ्रेंड लिस्ट में दो चार फ्रेंड ऐसे होते हैं लोफार जो कि कुछ भी सेंड कर देता है लो, और वो गैलरी में जाकर अपना आपका मोबाइल का स्पेस फुल कर देता है। तो दो तीन फ्रेंड ऐसा होता है लो हर कोई के फ्रेंड लिस्ट में, तो उनको आप चाहते हैं लगाने के लिए ऑन बाई ऑन करके, तो उसके लिए चलते हैं जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस फ्रेंड को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो मान के चलिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ देख सकते हैं वही ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी, इस पर क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट पर आता है, आप देख लेंगे, तो ये गैलरी में सेव होगा। अगर गैलरी में आप चाहते हैं कि जो भी इस फ्रेंड ने जो भी सेंड करे हमारे व्हाट्सएप पर तो सेव ना हो, तो नो पर कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, तो ये सेव नहीं होगा। उसके बाद बैक आएंगे तो ये लगा देने के बाद, अगर इस फ्रेंड को लगा देते हैं और ये कुछ भी सेंड करता है तो यहाँ पर आता है, मान के चलिए फ्रेंड ने कुछ भी सेंड किया तो मेरा यहाँ पर आ गया है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करके इसको गैलरी में सेव नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ स्टार पर क्लिक कर देंगे, तो आपका स्टार में सेव हो जाएगा, आपका गैलरी में नहीं जाएगा। और इस फोटो को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ बैक करेंगे, पहले बैक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टेड ये मैसेज का ऑप्शन आएगा स्टार्टेड पे, और मैसेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी स्टार में सेव करेंगे स्टार का फाइल इस यहाँ पर शो करेगा, जितने स्टार वाला सेव करेंगे तो यहाँ पर सेव होगा, इसको कर लेंगे। उसके बाद बैक आएंगे, और बैक आने के बाद फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, चलते हैं सेकंड थर्ड ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो सेटिंग पर क्लिक करेंगे फिर से, और सेटिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट, अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं चेंज मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर बहुत सारे लोग चेंज करते हैं अपना जो भी फ़ोन का, तो वो चाहते हैं कि मेरा जितने भी व्हाट्सअप फ्रेंड है उनको भी पता चले कि मैंने व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर चेंज कर दिया हूँ अपना फ़ोन का। तो व्हाट्सअप के साथ साथ चेंज करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो व्हाट्सअप को चेंज करने के लिए यहाँ देख सकते हैं चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं पुराना अपना यहाँ पर लिखा हुआ ओल्ड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पुराना फ़ोन नंबर डालेंगे, और यहाँ न्यू जो भी न्यू देना चाहते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ, फटाफट अपना टाइप कर लेता हूँ पुराना वाला, तो अपना टाइप कर देंगे, दोनों देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पुराना वाला, यहाँ नया वाला जो नया अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ नोटिफाई करने के लिए लगा कॉन्टैक्ट, जितने भी फ्रेंड लिस्ट होगा आपका, जितने भी व्हाट्सअप फ्रेंड होगा उसको चाहते हैं कि नोटिफिकेशन चला जाए कि मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, तो इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करेंगे उसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जितने भी फ्रेंड लिस्ट में उस सारे के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है इस यूजर का व्हाट्सअप का। तो यहाँ तीन ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं ऑल पर करेंगे तो ऑल को पता चल जाएगा, कॉन्टैक्ट देख सकते हैं जितने लोग कॉन्टैक्ट में हैं यानी आपका फ्रेंड लिस्ट में है वो शो करेगा, यहाँ कस्टम हो जाएगा देख सकते हैं। तो ऑल पर करके यहाँ डन पर क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा और सारे लोगों को पता चल जाएगा, तो इसको भी कर लेंगे। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी, इस पर क्लिक करेंगे। हम भी चाहते हैं कि अपना व्हाट्सअप का जो सीन दिखाता है, जो लास्ट सीन शो करता है कि आपको इतना बजे आपने ऑन किया है अपने व्हाट्सअप,
तो ऊपर दिखाता है प्रोफाइल पे, तो उसको बंद करने के लिए देख सकते हैं यहाँ प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं लास्ट सीन, तो इस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ एवरीवन माय कॉन्ट्रैक्ट नोबडी। तो अगर चाहते हैं किसी को ना दिखाने के लिए मेरा लास्ट सीन मेरा जितने भी फ्रेंड है वो ना देखे, तो नोबडी पे क्लिक कर देंगे। अगर चाहते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वाला देखे, ओनली आपका जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में है उनको दिखाई दे या एवरीवन पे दिखाई दे, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसे करके सेट कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आएगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।